मसीह में मेरे प्रिय भाई बहनों शालोम। परमेश्वर का जीवित वचन सुनने के लिए आपका स्वागत है। आइए हम परमेश्वर का वचन सुनने के लिए उसकी जीवित उपस्थिति में जाएं। आज का वचन अध्ययन है सपन्याह की पुस्तक अध्याय एक। आमोन के पुत्र यहूदा के राजा योशिया के दिनों में सपन्याह के पास, जो हिजकियाह के पुत्र अमर्याह का परपोता और गदल्याह का पोता और क्रूसी का पुत्र था, यहोवा का यह वचन पहुंचा। मैं धरती के ऊपर से सबका अंत कर दूंगा, यहोवा की यही वाणी है। मैं मनुष्य और पशु दोनों का अंत कर दूंगा। मैं आकाश के पक्षियों और समुद्र की मछलियों का और दुष्टों समेत उनकी रखी हुई ठोकरों के कारण का भी अंत कर दूंगा। मैं मनुष्य जाति को भी धरती पर से नष्ट कर डालूंगा, यहोवा की यही वाणी है। मैं यहूदा और उस और यरूशलेम के सब रहने वालों पर हाथ उठाऊंगा और इस स्थान के में बाल के बचे हुओं को और याजकों समेत देवताओं के पुजारियों के नाम को नष्ट कर दूंगा। जो लोग अपने अपने घर की छत पर आकाश के गढ़ को दंडवत करते हैं और जो लोग दंडवत करते हुए यहोवा की सेवा करने की शपथ खाते और अपने मोले की भी शपथ खाते हैं और जो यहोवा के पीछे चलने से लौट गए हैं और जिन्होंने ना तो यहोवा को ढूंढा और ना उसकी खोज में लगे, उनका भी मैं सत्यानाश कर डालूंगा। परमेश्वर यहोवा के सामने शांत रहो, क्योंकि यहोवा का दिन निकट है। यहोवा ने यज्ञ सिद्ध किया है और अपने पाहुनों को पवित्र किया है। यहोवा के यज्ञ के दिन मैं हाकिमों और राजकुमारों को और जितने परदेश के वस्त्र पहना करते हैं उनको भी दंड दूंगा। उस दिन मैं उन सबों को दंड दूंगा जो डेवढ़ी को लांघते और अपने स्वामी के घर को उपद्रव और छल से भर देते हैं, यहोवा की यह वाणी है। उस दिन मछली फाटक के पास चिल्लाहट का और नए टोले मिशनाह में हाहाकार का और टीलों पर बड़े धमाके का शब्द होगा। हे मक्केश के रहने वालों, हाय हाय करो, क्योंकि सब व्यापारी मिट गए। जितने चांदी से लदे थे उन सब का नाश हो गया है। उस समय मैं दीपक लिए हुए यरूशलेम में ढूंढ ढाल करूंगा और जो लोग यदाखमद के तलछट तथा मैल के समान बैठे हुए मन में कहते हैं कि यहोवा ना तो भला करेगा और ना बुरा, उनको मैं दंड दूंगा। तब उनकी धन संपत्ति लूटी जाएगी और उनके घर उजाड़ होंगे। वे घर तो बनाएंगे परंतु उनमें रहने ना आएंगे, और वे दाख की बारियां लगाएंगे परंतु उनमें दाख मधु ना पीने पाएंगे। यहोवा का भयानक दिन निकट है, वह बहुत वेग से समीप चला आता है। यहोवा के दिन का शब्द सुन पड़ता है, वहाँ वीर दुख के मारे चिल्लाता है। वह रोष का दिन होगा, वह संकट और सकेती का दिन, वह उजाड़ और विनाश का दिन, वह अंधेर और घोर अंधकार का दिन, वह बादल और काली घटा का दिन होगा। वह गढ़ वाले नगरों और ऊंचे गुम्मटों के विरुद्ध नरसिंघा फूकने और ललकारने का दिन होगा। मैं मनुष्यों को संकट में डालूंगा, वे अंधों के समान चलेंगे, क्योंकि उन्होंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। उनका लहू धूलि के समान और उनका मांस विष्ठा के समान फेंक दिया जाएगा। यहोवा के रोष के दिन में ना तो चांदी से उनका बचाव होगा और ना सोने से, कोई उसके जलन की आग से सारी पृथ्वी भस्म हो जाएगी। वह पृथ्वी के सारे रहने वालों को घबरा कर उनका अंत कर डालेगा। अध्याय दो। हे निलज जाति के लोगों, इकट्ठे हो इससे पहले कि दंड की आज्ञा पूरी हो और बचाव का दिन भूसी के समान निकले और यहोवा का भड़का हुआ क्रोध तुम पर आ पड़े और यहोवा के क्रोध का दिन तुम पर आए। तुम
इकट्ठे हो, हे पृथ्वी के सब नम्र लोगों, हे यहोवा की नियम को मानने वालों, उसको ढूंढते रहो, धर्म को ढूंढो, नम्रता को ढूंढो, संभव है तुम यहोवा के क्रोध के दिन में शरण पाओ। क्योंकि गाजा तो निर्जन और अस्कलोन उजाड़ हो जाएगा, अस्दोद के निवासी दिन दोपहरी निकाल दिए जाएंगे और एक्रोन उखाड़ा जाएगा। समुद्र तट के रहने वालों पर हाय, करेती जाति पर हाय, हे कनान, हे पलिस्तियों के देश, यहोवा का वचन तेरे विरुद्ध है और मैं तुझको ऐसा नष्ट करूँगा कि तुझ में कोई ना बचेगा। उसी समुद्र तट पर चरवाहों के घर होंगे और भेड़शालाओं समेत चराई ही चराई होगी, अर्थात वही समुद्र तट यहूदा के घराने के बचे हुओं को मिलेगा। वे उस पर चराएंगे, वे अस्कलोन के छोड़े हुए घरों में सांझ को लेटेंगे, क्योंकि उनका परमेश्वर यहोवा उनकी सुधि लेकर उनकी समृद्धि को लौटा लाएगा। मोआब ने जो मेरी प्रजा की नाम धराई और अमोनियों ने जो उसकी निंदा करके उसके देश की सीमा पर चढ़ाई की, वह मेरे कानों तक पहुंची है। इस कारण इसराइल के परमेश्वर सेनाओं के यहोवा की यह वाणी है, मेरे जीवन की शपथ, निश्चय मोआब सदोम के समान और अमोनी अमोरा के समान बिच्छू पेड़ों के स्थान और नमक की खानियां हो जाएंगे और सदैव उजड़े रहेंगे। मेरी प्रजा के बचे हुए उनको लूटेंगे और मेरी जाति के शेष लोग उनको अपने भाग से में पाएंगे। यह उनके गर्व का बदला होगा, क्योंकि उन्होंने सेनाओं के यहोवा की प्रजा की नाम धराई की और उस पर बड़ाई मारी है। यहोवा उनको डरावना दिखाई देगा और पृथ्वी भर के देवताओं को भूखों मार डालेगा और जाति जाति के सब द्वीपों के निवासी अपने अपने स्थान से उसको दंडवत करेंगे। हे क्रूसियों, तुम भी मेरी तलवार से मारे जाओगे। वह अपना हाथ उत्तर दिशा की ओर बढ़ाकर अशूर का नाश करेगा और निनवे को उजाड़ कर मरुस्थल के समान निर्जल कर देगा। उसके बीच में सब जातियों के वन पशु झुंड के झुंड बैठेंगे। उसके खंभों की कंगनियों पर धनेश और शाही दोनों रात को बसेरा करेगा और उसकी खिड़कियों में बोला करेंगे। उसकी देवड़ियाँ सुनी पड़ी रहेंगी और देवदार की लकड़ी उघारी जाएगी। यह वही नगरी है जो मगन रहती और निडर बैठी रहती थी और सोचती थी, मैं ही हूँ और मुझे छोड़ कोई है ही नहीं। परंतु अब यह उजाड़ और वन पशुओं के बैठने का स्थान बन गया है, यहाँ तक कि जो कोई इसके पास होकर चले वह ताली बजाएगा और हाथ हिलाएगा। अध्याय 3। हाय बलवा करने वाली और अशुद्ध और अंधेर से भरी हुई नगरी, उसने मेरी नहीं सुनी, उसने तारना से भी नहीं माना, उसने यहोवा पर भरोसा नहीं रखा, वो अपने परमेश्वर के समीप नहीं आई। उसने हाकिम गरजने वाले सिंह ठहरे और न्यायी सांझ को आहिर करने वाले हुंडार के, जो सवेरे के लिए कुछ नहीं छोड़ते, उसके भविष्यवक्ता व्यर्थ बकने वाले और विश्वासघाती हैं, और उसके याजकों ने पवित्र स्थान को अशुद्ध किया और व्यवस्था में खींच खाँच की है। यहोवा जो उसके बीच में है वह धर्मी है, वह कुटिलता ना करेगा। वह अपना न्याय प्रतिभोर प्रकट करता है और चूकता नहीं, परंतु कुटिल जन को लज्जा आती ही नहीं। मैंने अन्य जातियों को यहाँ तक नष्ट किया कि उनके कोने वाले गुम्मट उजड़ गए। मैंने उनकी सड़कों को यहाँ तक सूनी किया कि कोई उन पर नहीं चलता। उनके नगर यहाँ तक नष्ट हुए कि उनमें कोई मनुष्य वरन कोई भी प्राणी नहीं रहा। मैंने कहा, अब तू मेरा भय मानेगी और मेरी ताड़ना अंगीकार करेगी, जिससे उसका निवास स्थान उस सब के अनुसार जो मैंने ठहराया था नष्ट ना हो। परंतु वे सब प्रकार के बुरे बुरे काम यत्न से करने लगे। इस कारण यहोवा की यह वाणी है, जब तक मैं नष्ट करने को ना उठूं, तब तक तुम मेरी बात जोहते रहो। मैंने यह ठान लिया है कि
जाति जाति के और राज राज के लोगों को मैं इकट्ठा करूंगा और उन पर अपने क्रोध की आग पूरी रीत से भड़काऊंगा, क्योंकि सारी पृथ्वी मेरी जलन की आग से भस्म हो जाएगी। उस समय मैं देश देश के लोगों से एक नई और शुद्ध भाषा बुलवाऊंगा कि वे सब के सब यहोवा से प्रार्थना करें और एक मन से कंधा मिलाए हुए उसकी सेवा करें। मेरी तितर बितर की हुई प्रजा मुझसे विनती करती हुई मेरी भेंट बनकर आएगी। उस दिन तू अपने सब बड़े से बड़े कामों से जिन्हें करके तू मुझसे फिर गई थी फिर लज्जित ना होगी। उस समय मैं तेरे बीच से सब फूली हुई घमंडियों को दूर करूंगा और तू मेरे पवित्र पर्वत पर फिर कभी अभिमान ना करेगी, क्योंकि मैं तेरे बीच में दीन और कंगाल लोगों का एक दल बचा रखूंगा और वे यहोवा के नाम की शरण लेंगे। इसराइल के बचे हुए लोग ना तो कुटिलता करेंगे और ना झूठ बोलेंगे और ना उनके मुंह से छल की बात निकलेगी। वे चरेंगे और विश्राम करेंगे और कोई उनको डराने वाला ना होगा। हे सियोन ऊंचे स्वर से गा, हे इसराइल जय जयकार कर, हे यरूशलेम अपने संपूर्ण मन से आनंद कर और प्रसन्न हो। यहोवा ने तेरा दंड दूर कर दिया और तेरा शत्रु भी दूर किया है। इसराइल का राजा यहोवा तेरी बीच में है, वह उद्धार करने में पराक्रमी है। वह तेरे कारण आनंद से मगन होगा और अपने प्रेम के मारे चुपका रहेगा। फिर ऊंचे स्वर से गाता हुआ तेरे कारण मगन होगा। जो लोग नियत पर्वों में सम्मिलित ना होने के कारण खेदित रहते हैं उनको मैं इकट्ठा करूंगा, क्योंकि वे तेरी हैं और उसकी नामधराई उनको बोझ जान पड़ती है। उस समय मैं उन सबों से जो तुझे दुख देते हैं उचित बर्ताव करूंगा और मैं लंगड़ों को चंगा करूंगा और जबरन निकाले हुओं को इकट्ठा करूंगा और जिनकी लज्जा की चर्चा सारी पृथ्वी पर फैली है उनकी प्रशंसा और कीर्ति सब कहीं फैलाऊंगा। उस समय मैं तुम्हें ले जाऊंगा और उसी समय मैं तुम्हें इकट्ठा करूंगा और जब मैं तुम्हारे सामने तुम्हारी समृद्धि को लौटा लाऊंगा तब पृथ्वी की सारी जातियों के बीच में तुम्हारी कीर्ति और प्रशंसा फैला दूंगा। यहोवा।